इन दो हफ्तों का एपिसोड आएगा, अपकमिंग मंथ ऑफ वी देखो सर्वर रेडी है, और जिस दिन ट्रेलर आ गया उस दिन तुम्हारे सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे सर्वर का बारे में। बट अगर वो चीज हो गई, मेरे को लगता है शायद अगर हम लोग सारे टीम से फाइनलाइज करें, देन वी कैन अज्यूम कि भाई जो टीजर के बाद ब्रेक थ्रू मिलेगा ना वो चीज। सर्वर इज 100% रेडी, ठीक है, सर्वर बहुत तक रेडी है, सारी चीज़ें हम लोग की सर्वर की डेवलप हो गई हैं, वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेलर। आई नो ट्रेलर इज टेकिंग टाइम, क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग अब मैं बताता हूँ द रीज़न वाई ट्रेलर हैज़ बीन डिलेड। पर तुम लोगों को पता होगा कि नहीं, माई फैमिली करेंटली हैज़ लॉट ऑफ इशूज़ ऑन गोइंग राइट नाउ, ठीक है। माई हैव अ अंकल हु इज करेंटली पैनक्रियाटिक कैंसर, द सिंपल टर्म इज पैनक्रियाटिक कैंसर। तो उस चक्कर में जो मेरी लाइफ है ना वो काफ़ी ज़्यादा अप डाउन हो रही है। उस वजह से ना मैं ट्रेलर के लिए शॉर्टलिस्ट कर पा रहा हूँ कोई चीज़, उस वजह से ये सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट इवेंचुअली आज का टारगेट है मेरा कि लाइक आज हर हाल में मैं ट्रेलर का कुछ तो ऑलमोस्ट कुछ पार्ट कंप्लीट कर दूंगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेलर भी बहुत जल्द आ जाएगा। और जिस दिन ट्रेलर आ गया उस दिन तुम्हारे सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे कि सर्वर कब आएगा। सर्वर इज अप एंड रेडी, ऋत्विक टेस्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट एक चीज़ तो मैं बोलूँगा, सब्र का फल मीठा जिसे बोल सकते हो तुम लोग को, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। जिस दिन हमने डायनो से बात की थी उस दिन सर्वर लॉन्च कर सकते थे, बट कंसिडरिंग दैट डे वर्सेज वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ, जो एक होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन वाओ वाला फैक्टर जो चीज़ है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमने अचीव कर ली है। एंड इवन वी हैव वन प्लान दैट इज़ फॉर द पीपल कमिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ STRP। अगर वो प्लान भी अगर हम लोग कहीं 100% लगे, अगर इफ़ आर एबल टू एग्जीक्यूट इट 70% और इवन 80% एज वी इंटेंडेड टू, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दिस वुड विल बी ह्यूज, बिकॉज इट वुड हैव नेवर बीन डन इन एनी अदर RP सर्वर बिफोर। इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर श्योर, मैं कहना चाहता हूँ कॉम्प्लिकेटेड है, बट ऐसा भी नहीं कि वो इम्पॉसिबल है। बट अगर वो चीज़ हो गई, मेरे को लगता है शायद अगर हम लोग सारे टीम से फाइनलाइज करें, एक बार डेवलपमेंट टेस्टिंग सारी चीज़ फाइनलाइज हो जाए, देन वी कैन अज्यूम कि भाई जो टीजर के बाद ब्रेक थ्रू मिलेगा ना वो चीज़ है। और टू बी ऑनेस्ट गाइज, देखो हम लोग ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वी हैव स्टिल 500+ फॉर्म्स पेंडिंग, ठीक है, 500+ फॉर्म्स पेंडिंग। अगर मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ, तुम लोग को मैं क्लियर दिखा दूंगा, ठीक है। Nobody knows कि देखो 460 applications आर पेंडिंग राइट नाउ टू बी checked, ठीक है, 460 applications आर पेंडिंग स्टेटस में, और जस्ट इंटरव्यू का स्टेटस देख लो। एंड 162 application needs to be candidate needs to be interviewed, ठीक है, 460+160, 620 people के अभी तक पेंडिंग ही हैं। एंड वाइट लिस्ट से 350 से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, और ठीक है, और बी ऑनेस्ट स्टाफ मैकनो मल्टीपल रेमिक्स पीयूष लोगन लिटरली बता रहा हूँ पागलों की तरह इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। वी डिड मेड इट इजी, देयर इज अ रीजन वी डिड मेड इट इजी फॉर एवरीवन, क्यों, ताकि वी वांट टू चेक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन अ पर्सनल लेवल कि उसको RP आती है, कि वेदर इज डीम टू फिट इन STRP, क्या उसको हम एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहाँ पे RP सीख सकता है। देखो बहुत ईजी होता है, किसी को भी फेवर्ड हो मैं उसको पट से वाइटलिस्ट कर दूँ, किसी को भी मैं जानता हूँ उसको पट से वाइटलिस्ट कर दूँ, बट जनरली क्या उस बंदे को आती है कि नहीं RP, वो चीज़ देखना है। देखो रूल्स तो कोई भी तोड़ सकता है, देखो अच्छे से अच्छा RP स्ट्रीमर भी रूल तोड़ता है, अच्छे से अच्छा RP प्लेयर भी रूल तोड़ता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स किसी को जज करना बहुत मुश्किल है। टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू एनीवन टू इंट्रोड्यूस एटलीस्ट लर्न एन RP, देखो लेगेसी जब वाइटलिस्ट आया था मेरे को नहीं वाइटलिस्ट आती RP आती थी, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को RP नहीं आती थी, बट स्टिल वी वर गिवन अ अपॉर्चुनिटी टू प्ले इन द वाइटलिस्ट सर्वर। That was a stepping stone to learn RP. आदमी गलतियों से ही सीखता है, ठीक है, देखा जाएगा। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement, I don't ever slow up.